मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम इंजीनियर बनोगे, बिस्मार्ट टीचर बनेगी। दोस्तों, इस तरह के जुमले हमेशा फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में बोले जाते हैं, और फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर सब्जेक्ट आई और वी हो तो इनके साथ शैल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर सब्जेक्ट बाकी जितने भी बचते हैं यानी कि शी, इट, सिंगल नेम, प्लूरल नेम, दे और यू वगैरह, तो इनके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर आई और वी को कोई काम लाजमी करना हो यानी किसी काम की बहुत ही जरूरत हो तो उस वक्त हम आई और वी के साथ शैल की बजाय विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी मैं आपको एक जुमला बोलकर बताता हूँ, मैं लाहौर जरूर जाऊंगा, आई विल गो टू लाहौर। और असल में ये जुमला यूं बोला जाता है, अगर मैं कहूं कि मैं लाहौर जाऊंगा, आई शैल गो टू लाहौर। दोस्तों, बकिया जुमले भी हम इसी तरह देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अगर जुमला मुस्बत बनाना हो तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से या तो हम विल लगाएंगे या हम शैल लगाएंगे, और उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अगर किसी जुमले को हमने नेगेटिव बनाना हो यानी मनफी बनाना हो तो हम बने बनाए जुमले में विल या शैल के बाद नॉट लगा देते हैं और हमारा जुमला मनफी हो जाता है। और अगर हमने इन्हीं जुमलों को सवालिया बनाना हो तो हम ऐसा करेंगे कि पॉजिटिव जुमले वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की आपस में जगह चेंज कर देनी है, और बाकी पूरे का पूरा जुमला वैसा ही रहेगा और आखिर में जाकर हमने सवालिया निशान लगा देना है। तो दोस्तों, कुछ जुमले शामिल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आपको ये भी बताते चले कि दोस्तों, मैं जुमलों को साथ ही साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी बनाता जाऊंगा ताकि आपको तमाम के तमाम जुमले अच्छी तरह समझ में आते जाएं। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बिकम डॉक्टर। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, आई शैल नॉट बिकम डॉक्टर। क्या मैं डॉक्टर बनूंगा, शैल आई बिकम डॉक्टर। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलूंगा, शैल आई प्ले क्रिकेट। तुम कॉलेज जाओगे, यू विल गो टू कॉलेज। तुम कॉलेज नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू कॉलेज। क्या तुम कॉलेज जाओगे, विल यू गो टू कॉलेज। वो हैमलेट पढ़ेगा, ही विल रीड हैमलेट। वो हैमलेट नहीं पढ़ेगा, ही विल नॉट रीड हैमलेट। क्या वो हैमलेट पढ़ेगा, विल ही रीड हैमलेट। वो असाइनमेंट तैयार करेगा, ही विल प्रिपेयर असाइनमेंट। वो असाइनमेंट तैयार नहीं करेगा, ही विल नॉट प्रिपेयर असाइनमेंट। क्या वो असाइनमेंट तैयार करेगा, विल ही प्रिपेयर असाइनमेंट। हम किताबें खरीदेंगे, वी शैल बाय द बुक्स। हम किताबें नहीं खरीदेंगे, वी शैल नॉट बाय द बुक्स। क्या हम किताबें खरीदेंगे, शैल वी बाय द बुक्स। अस्मा इंग्लिश पढ़ाएगी, अस्मा विल टीच इंग्लिश। अस्मा इंग्लिश नहीं पढ़ाएगी, अस्मा विल नॉट टीच इंग्लिश। क्या अस्मा इंग्लिश पढ़ाएगी, विल अस्मा टीच इंग्लिश। तैयब नए कपड़े पहनेगा, तैयब विल वेयर न्यू क्लॉथ्स। तैयब नए कपड़े नहीं पहनेगा, तैयब विल नॉट वेयर न्यू क्लॉथ। क्या तैयब नए कपड़े पहनेगा, विल तैयब वेयर न्यू क्लॉथ। मेड कमरा साफ करेगी, मेड विल क्लीन द रूम। मेड कमरा साफ नहीं करेगी, मेड विल नॉट क्लीन द रूम। क्या मेड कमरा साफ करेगी, विल द मेड क्लीन द रूम। मैं मेहनत करूंगा, आई शैल वर्क हार्ड। मैं मेहनत नहीं करूंगा, आई शैल नॉट वर्क हार्ड।
क्या मैं मेहनत करूंगा? Shall I work hard? वो घर बनाएगा। He will make the house। वो घर नहीं बनाएगा। He will not make the house। क्या वो घर बनाएगा? Will he make the house? अप्राउड हक गाना गाएगा। अप्राउड हक will sing the song। अप्राउड हक गाना नहीं गाएगा। अप्राउड हक will not sing the song। क्या अप्राउड हक गाना गाएगा? Will अप्राउड हक sing the song? पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी। पुलिस will arrest the thief। पुलिस चोर को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस विल नॉट अरेस्ट द थीव। क्या पुलिस चोर को गिरफ्तार करेगी? विल द पुलिस अरेस्ट द थीव। वो मुझे गिफ्ट देगा। ही विल गिव मी गिफ्ट। वो मुझे गिफ्ट नहीं देगा। ही विल नॉट गिव मी गिफ्ट। क्या वो मुझे गिफ्ट देगा? विल ही गिव मी द गिफ्ट। हम मैच जीत जाएंगे। वी शैल विन द मैच। हम मैच नहीं जीतेंगे। We shall not win the match। क्या हम मैच जीतेंगे? Shall we win the match? तो दोस्तों, आपको आज का लेक्चर, आज का टॉपिक कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ जुमले अपनी तरफ से बनाकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अपने दोस्त, अपने भाई इसहाक अब्बासी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। कीप प्रैक्टिसिंग।